आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं पाजी का काम। हम तो दूर से आपको देखते हैं। अच्छा जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस गया। हो गया? बस हो गया। सही है, चंगा हो गया। बेचारे निकल रहे थे, मैंने बेचारे को रुका दी, माशाल्लाह रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह से। एक यूनिक सी ट्रक देखने मिली है मुझे, लो बेड की, जिसके ऊपर अपलोड की गई है सामान, कुछ देखने और दिखाने का लायक, तो मैंने कहा आप पूछ लेते हैं। भाई मान गए वीडियो के लिए। आ रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा सा लोड, ये बड़ा बड़ा काम, और इसको लेके निकलने के लिए चाहिए बड़ा सा जिगरा। भाई आ रहे हैं नीचे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं पाजी? ठीक ठाक है जी, आप सुनाएं। कहाँ से निकले, कहाँ को जा रहे हैं? ये रसल खेमा से अभी लोड किया जी, दुबई जाएगा जी। दुबई जाएगा? हाँ जी। मुझे थोड़ा जानकारी दे दीजिए, क्या काम है क्या नहीं है ये? एक क्रेन है जी हमारी कंपनी की, अभी काम के लिए आई थी इधर। अच्छा, अभी काम खत्म हो गया तो लेके जाएगा जी। तो इसको यहाँ से उठा के ले जाना आसान है? हाँ जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसकी कनेक्शन कैसी हो सकती है? इसको इधर से डाउन करते हैं जी। कैसे? ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है जी ये। ओके, अभी ये पूरा इधर जैक ला के ना ये आगे से गाड़ी निकाल देते हैं, फिर हाँ। डाउन हो जाता पूरा। ये आगे का पूरा नीचे होता? हाँ जी हाँ, पूरा ऐसा रैंप बन जाता है। अच्छा जी। रैंप फिर उसके ऊपर क्रेन चढ़ा देते हैं। तो ये फोल्डिंग में है ना? हाँ जी, ये चीज है। हाँ जी हाँ जी, ये पूरा डाउन हो जाता है, ये लीवर लगा हुआ जी, पीछे इसके कंप्रेशर है। पूरा डाउन हो जाता है ये। हाँ जी, फिर ऊपर चढ़ा के फिर उठा के इसको गाड़ी लगा देते। अच्छा जी। अच्छा, इसकी कनेक्शन कैसे की गई है? हाँ जी, इसकी कनेक्शन यहाँ पे, इसको इसको पकड़ के कैसे रखा गया है? ये अभी चैन मारा हुआ जी, चार चैन डालते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ जी, अभी ये चैन जो आगे से खींचते हैं, ये पीछे को नहीं जाने देगी, जो पीछे है पीछे से खींचते हैं जी। अगर इमरजेंसी ब्रेक मार दिया तो वो चैन है जी, आगे हैवी चैन डाला हुआ जी पूरा। और ये पीछे ऐसे चली गई? हाँ। इसके टायर पंचर है क्या? नहीं ना, वो वैसे वेट आई। हाँ वेट आ गई। ओह वल्लाह, इसके वेट से तो टायर के खराब बनेंगे काफी सारे चांस है। नहीं, ये है क्रेन इसके ऊपर। हाँ जी। इसकी वो प्लेट्स कहाँ है जो वजन बना के रखने के लिए जो प्लेट्स रखते हैं, वो भी आई है नहीं आई है साथ में? जो नहीं, पीछे रखते हैं वजन, ताकि मतलब क्योंकि आगे जो सामान उठाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो इसके ऊपर ही है जी। दिखाएं मुझे। एक छोटा क्रेन है जी 100 टन का, इसके ऊपर ही होता वेट इसके ऊपर। हाँ, ये वाली प्लेट्स जो मैं कह रही हूं। हाँ, ये प्लेट्स है जी। अगर ऊपर इसके ऊपर क्रेन है उसका अलग से आता है जी। अच्छा जी। उसका अलग ट्रेलर आते हैं जी, इसको अलग से भिजवाया जाता है। हाँ जी हाँ जी, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था उस हिसाब से करेक्ट। इसके टायर भी बड़े बड़े हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसको जब नीचे आपने बेस करके लगाया यहाँ पर, ये चीज है, ये अभी थोड़ा जैक टच कर दिया जी। अच्छा। अभी बिल्कुल भी ये मूव नहीं होएगा, कोई इमरजेंसी हम लोग ब्रेक मारते हैं तो बिल्कुल हिलेगा नहीं करेगा। वैसे ये जो दो लाइन ले रही है ना, एक लाइन से ज्यादा ले रही है ना रोड पर ये ट्रक आपकी? नहीं, एक लाइन में जाता है। एक लाइन में हो जाता है? हाँ, जब टर्निंग लेते हैं फिर थोड़ा दो लेना पड़ता है, तभी दो लेना पड़ता है। तो आपको बहुत ही इंतजार करना होता होगा टर्न लेने के लिए, देखने के लिए गाड़ी। हाँ, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा हैवी ट्रेलर लो, बट थोड़ा ध्यान से चलाने। हाँ, ऐसे बड़े ट्रेलर तो आप बड़े जिगरे वाले ही चला सकते हाँ, हैं बस। बहुत ही शानदार सा है। काम में हर एक रिस्क लेना पड़ता है। हाँ ना, जितना कहते हैं जितनी ही मेहनत करोगे उतनी ही तरक्की मिलेगी पाजी, बिंदास। हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे आप ये कंपनी में काम कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को 13 साल हो गए जी। 13 साल हो गए माशाल्लाह। एक कंपनी में, ये कंपनी में 13 साल हाँ जी हाँ, 2 साल पहले और 15 साल इधर यूएई में हो गए जी। तो मुझे आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये रोडों पे? हमेशा अपनी जो जिंदगी रोड पे निकलती है, सही है ड्राइवर के तौर पे? तो नहीं, बहुत अच्छा रहा अभी तक तो, ऊपर वाले की कृपा जी, पूरा
सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब चंगा चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ। जब आप आए थे कितनी उम्र थी आपकी जब आप आए होंगे काम पे ट्रक वाले के काम? देख लो अभी 40 हो गई जी, 40। अब मैं अभी 40 तो लगते नहीं आप माशाल्लाह से। हाँ यानी कि अभी 13 साल में 15 साल हो गए जी इधर माशाल्लाह। तो जब आप आए थे क्या हालात थे घर के जो पंजाब के, जो अब यहाँ से आपने क्या कर लिया जो आपको लगता है कि 13-15 साल लगा दिया क्या बना लिया? नहीं चलो सब कुछ बन गया जी, चलो पहले भी ठीक था जी। हम ऐसे नहीं, हमारे जो पिताजी हैं खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा चलो पहले हमारे को भी उन लोगों ने पाला पोसा ना माशाल्लाह। हाँ चलो आगे भी अभी होना, चलो हमारा भी फर्ज था आगे बच्चों का है ना जी, सही है काम करने का। चलो बहुत कुछ बन गया जी ऊपर वाले की कृपा से। तो मतलब आपको सुकून है जो आपने मेहनत की यहाँ पर? हाँ जी हाँ, 15 साल आपने अपनी जिंदगी के लगा दिए। हाँ जी ना बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत कुछ आया, बहुत अच्छा कंट्री है UAE। बाकी हमारा कंपनी लफार्स बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को अपने काम से खुशी है। हाँ जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं हमारा कंपनी बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी, और हमें 13 साल हो गए हमारे को इधर काम करते हुए। बड़ी कंपनी है माशाल्लाह। हाँ बड़ी कंपनी, आपकी यूनिफॉर्म देख के लग रहा है कि कंपनी बड़ी होगी। हाँ जी हाँ, तब पूरा सेफ्टी में रहना पड़ता है। हाँ। मैं शू नहीं डाला हुआ सेफ्टी नहीं, वो तो अभी तो आप साइट पे नहीं है ना, ब्रेक टाइम में मुश्किल नहीं है। जब साइट पे हो तो फिर तो PPE भी चेक की जाती है। जी हाँ साहब पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी जब ट्रक लेके, मैं डिपर वाली ट्रक चलाती हूँ पाजी। अच्छा जी ठीक है, आपकी वीडियो देखी है टिकटॉक? अच्छा जी माशाल्लाह, यूट्यूब पे देखिएगा। आज तो आप मेरे यूट्यूब के हीरो है, देखें तो वीडियो यूट्यूब की देखिएगा, अपने घर वाले को शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहले अपने घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके घर वाले यहाँ है या इंडिया में? इंडिया में जी साहब। तो कोई मैसेज दे दीजिए उन्हें। घर वाले सब ठीक ठाक है जी, अच्छे रहो खुश रहो। हम काम करते हैं, वो लोग अच्छा खाते पहनते हैं जी। तो आपको आपका ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत वसूल है? हाँ जी हाँ, मेहनत वसूल। घर वाले खुश हैं? घर वाले हाँ खुश हैं जी। ये बात सही है, मतलब मेन आपका काम मेरी मेहनत मेरे घर वाले के लिए। हाँ जी हाँ। और तो कभी सोचा है कितने वक्त तक यहाँ पे और कितने साल देने का सोचा है आपने इमारात को? अभी देखो जी, अभी तो चलो चलते हैं ये काम, जब तक बॉडी शरीर काम करेगा जब तक करेंगे। तो पूरी जिंदगी दे देंगे आप एक तरीके से माशाल्लाह, 15 साल एक जनरेशन से ज्यादा है। हाँ जी हाँ। आपने 15 साल दे दिए, और देने की ख्वाहिश है यहाँ पर? नहीं चलो अभी देखते हैं, हम तो ये होते हैं जब तक दाना पानी है। हाँ। ऊपर वाले ने दाना पानी दिया तो तक जब काम करेंगे, जब उठ गया फिर मालूम नहीं कब चले जाएंगे। हेलो। हाँ जी आ जाए मुश्किल नहीं है। हाँ बाकी दाना पानी की बात है जी साहब, जितना टाइम है तो उतना टाइम काम करेगा। बिल्कुल, पल का भरोसा नहीं है। नहीं वो तो है, बस अल्लाह आपको नई अच्छी सेहत दे। हाँ आप हाँ। बड़ी बड़ी ट्रक आपकी हिफाजत करे। हाँ जी, सलामती हाँ। से आपके काम चलो और आपकी रोजी में बरकत। हाँ जी हाँ, हम तो बोलते हैं हमारा कंपनी की रोजी में भी बरकत बढ़े। आमीन, हमारा काम चलता रहे कंपनी का तो हमारा ये भी बहुत काम बढ़िया कहा आपने। ये बात मुझे पाजी की बहुत अच्छी लगी, मैं ही नहीं मेरी कंपनी भी खुश रहे, ये उनकी ख्वाहिश है। सही बात है, कंपनी है तो हम है सब। मैं तो बोलता हूँ पूरा UAE में पूरा अच्छा काम चले, सबका काम अच्छा चले, सब खुश रहे। तो अभी आप कहाँ ले जाना? दुबई ले जाना। दुबई लेके जा रहा है। कितने देर का चलेगा आपका ये ट्रिप? ये तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफर है जी। जी हाँ, थोड़ा रुक के जाएगा एक दो जगह, गर्मी अभी टायर गर्म होता है फिर टायर फट जाता है। एक दो ब्रेक डालेगा या आधा घंटे का। इसके बीच में ट्रक के टायर नहीं है ना नीचे? वो पीछे ही है जी, सिर्फ पीछे की तरफ है। 3-4 बाकी ट्रिपल एक्सेल है माशाल्लाह। क्या मॉडल है गाड़ी का? ये अभी 24 है जी। हाँ जी, ऑटोमेटिक है मैनुअल है? नहीं ऑटो है जी, ऑटोमेटिक है। चले देखेंगे। 2024 की ट्रक मैंने खुद नहीं देखी अभी तक, मतलब आखिरी मॉडल की ट्रक है माशाल्लाह, देखना तो बनता है बाजी, है ना? अरे कंपनी में तकरीबन सब गाड़ी नई लेके। अरे वाह सच में, आए देखेंगे आपकी ट्रक आपके साथ साथ। सफाई भी अच्छे से मेंटेन किए कहना। हाँ, पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, कभी से चला रहे है ये? अभी जैसे अभी नया आया था जी गाड़ी। हाँ। नहीं मेरे को दिया था इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी देखो 4-5 महीना हो गए जी। हाँ हाँ माशाल्लाह। अभी आप हमारे को हम आपकी ट्रक अंदर से दिखाएं। आ जाए चलिए, अब हम पाजी की ट्रक देखेंगे अंदर से। वाओ सफाई तो बहुत है पाजी, मैं चप्पल पहन के चली जाऊं मुश्किल नहीं है? वाओ मौसम भी कितना अच्छा है यहाँ पर,
सच है मुझे मेरी चप्पल लेके ऊपर आने का दिल नहीं कर रहा है, जिस तरीके से आपने सफाई मेंटेन की है माशाल्लाह से। आ जाए आ जाए आए आए जी पाजी। अब अपने ट्रक के बारे में, इनसाइड के बारे में थोड़ी हमें बताएं। बस गाड़ी में बेड लगा हुआ है जी, जब फ्री हो गया तो रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा सिंगल बेड है आपके ट्रक में? हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह। और ये आपने कभी खोला है इसे? इसको ये जो ओपन सनरूफ है? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा? ये साइड का है, ये ऊपर दूसरा ऊपर। अब दबा के छोड़ दो जी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बंद करने के लिए। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है आपकी जिम्मेदारी है या कंपनी की है? नहीं कंपनी की है जी, वैसे हमारा कंपनी के खुद का वर्कशॉप है जी। अच्छा जी। कोई मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ड्राइवर का गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कोई ड्राइवर का गलती हो गया तो आपकी जिम्मेदारी, नहीं तो कोई मसला नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह पाजी, आपकी ट्रक देख के तो मुझे मेरा दिल खुश हो गया। देखे माशाल्लाह से हैंड ब्रेक हो गया, गियर है, क्लच नहीं, क्लच नहीं है, है नहीं, ये पीछे ट्रेलर का ब्रेक है जी। ट्रेलर का ब्रेक? हाँ जी, हाँ जी, ट्रेलर का, अगर अकेला ट्रेलर रोकने का। अच्छा। हाँ जी, बाकी वो ऊपरी गियर है इसका लीवर में। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके। पकड़िए इसे, हम उतरेंगे और आपसे वहाँ आके आपसे आप लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैठिए मैं। जी जी जी, ये नीचे भी हो गई। मेरा दिल तो है, सच है मेरा दिल तो है। तो ये था हमारा, ऐसी हो रही है हमारी फोटो सेशन साथ में साथ में। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पाजी, सच में। घर वाले को शेयर कीजिएगा जरूर। तो ये था हमारा आज का रास्ता पाजी के साथ। पाजी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इनके साथ क्या काम करते हैं? ये क्रेन चलाते हैं, ये फ्रेट में। ये भी क्रेन चलाते हैं? नहीं, ये चलानी है, इन्होंने ट्रेलर चलाना है। अच्छा जी, आप ये चलाते हो, तो आपका लाइसेंस कौन सा है? मेरा हैवी लाइसेंस है, 8 नंबर। 8 नंबर का मशीनरी लाइसेंस है मतलब? वो हैवी इक्विपमेंट लाइसेंस है। अच्छा जी, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे ना तो आपको चलाते हुए हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके साथ में दो तरीके से चला सकते हैं इसे, है ना? एक नीचे ड्राइव कर सकते हैं रोड में, सेकंड खड़ा करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब रोड पे चला सकते हैं तो लो बेड की जरूरत क्यों? यहाँ से हम लोग का ट्रैवलिंग लंबा है ना, हमने लेके जाना है इसको DIC अबू धाबी बॉर्डर के पास। हाँ हाँ, रुवैस की तरफ। हाँ, नहीं अब दुबई क्रॉस करने से पहले जबल अली की तरफ। यहाँ पर ट्रैवलिंग लंबा है, इसके लिए ये हीट अप हो जाता है ना। अच्छा 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 अच्छा। टायर ब्लास्ट हो सकता है या आग लग सकता है, फायर हो जाएगा कुछ भी, इसलिए हम लोग लोड करके लेके जाते हैं। अच्छा, क्रेन भी पूरा हाइड्रोलिक है जी, इसीलिए कंपनी बोलती है लोड करके लेके आएंगे। हाँ, चला के नहीं लेके जाते, थोड़ी दूर है चला के लेके जाते हैं। हाँ, कम से कम अभी किधर से? अभी मरजान साइड। अब वो ये मरजान से आया है, ये अंदर एक नया साइड बन रहा है ना अलग का, मरजान होटल है, वहाँ से रसल खेमा। रसल खेमा, हाँ जी। अभी 10-15 किलोमीटर चल के आया, उसके बाद अभी हम लोड करके जाएंगे। तो और आगे जाना है? वहाँ पे दुबई पे काम है कि बस वहाँ पे लगानी है गाड़ी? नहीं, उधर हमारा यार्ड है जी। यार्ड है, वहाँ पे लगानी है। यार्ड में तो जब भी चाहिए तो आपको लेकर आना है, फिर बाद में जब भी काम है यहाँ पे आप लेकर आएंगे, फिर वहाँ पे लेके जाएंगे काम। इसको उतारेगा मैं, दूसरा लोड करके फिर कहीं आएगा। अरे बाप रे माशाल्लाह। अच्छा एक बात पूछूंगी पाजी, जैसे अभी लो बेड की ट्रेन है, लो बेड की ट्रक हो रखी है आपकी माशाल्लाह से, ट्रेन से तो कोई काम नहीं है वैसे भी माशाल्लाह। तो ये जब आप अगर कुछ और काम मिले तो इसका पीछे का जो ये लो बेड चेंज करिए, कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, चेंज करते रहते हैं, ट्रेलर कर सकते हैं ऐसा वाला फ्लैट बेड, वो भी लगाते हैं जी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम सिर्फ पीछे का चेंज कर सकते हैं? अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लगती है? हमारे पूरा किस्म के लो बेड सब ट्रेलर हमारे को चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी। अभी जैसे भी जो
ट्रेलर का काम होएगा वो लगाना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। जो आगे वाला ये हमारा पूरा फिक्स है, ट्रक ड्राइवरों के पास पर्सनल दिया हुआ है। जो ये पीछे वाले ट्रेलर हैं ये तो अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती ना, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है? नहीं जी, वो अलग अलग मलकिया बने हुए हैं। हाँ, उसका अलग है, फिर बाद में जब चाहिए जिसके पीछे जो लगा लो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसा जॉब आएगा हाँ, जैसा आगे क्लाइंट ने हाँ, जॉब मांगा बोलता हमारे को ये ट्रेलर चाहिए। अच्छा, तो वो हम लोग फिक्स करते। क्योंकि मुझे नहीं पता था इस बारे, मुझे लगा कि एक ही बार सोचना चाहिए क्या बना रहा है, पीछे चेंज नहीं होता, मुझे नहीं पता था कि चेंज हो सकता है। जैसे टिप्पर ट्राले वो फिक्स है जी। कौन से टिप्पर? हाँ हाँ, हमारी तो फिक्स है, वो फिक्स है जी, अभी हमारे को चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप कहाँ से? मैं इंडिया से हूँ, इंडिया मुंबई से। मेरी माँ पंजाब से है वैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर शेयर कीजिएगा यूट्यूब। आपके पास तो है मेरा यूट्यूब चैनल है ना? आपके पास तो मेरा यूट्यूब चैनल है अभी? नहीं, हम लोग के साथ तो नहीं। लाइए, मैं दे देती हूँ। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरी वीडियो एंजॉय करने के लिए याद से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो सीरीज़ में बराबर देखने नहीं मिलेगी, आगे पीछे देखने मिलेगी कि समझ ही नहीं आएगी। याद से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं, और आगे क्या देखना चाहेंगे ये भी कह दें कमेंट के अंदर।